हिंदू धर्म में हर तिथि हर व्रत का अलग ही महत्व है। इस साल 22 अगस्त को कजरी तीज का व्रत रखा जाएगा। इस दिन क्या मान्यता है, आइए पंडित जी से जानते हैं विस्तार से। जी, भारतीय संस्कृति में अनेक प्रकार के त्यौहार और व्रत बनाए जाते हैं। इसमें से यह रक्षाबंधन के पश्चात आने वाला त्यौहार है, जो कि भादव मास कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन जो तीज आती है उसको कजरी तीज के नाम से जाना जाता है। यह व्रत मुख्यतः महिलाएं तथा कन्याएं करती हैं। यह सौभाग्यवती स्त्रियों का भी त्यौहार कहा गया है तथा कन्याओं का भी कहा गया है। इसमें व्रत रखा जाता है तथा भगवान गौरी शंकर का पूजन होता है तथा यह व्रत महिलाएं अपने पति की दीर्घ आयु के लिए तथा पुत्र की लंबी आयु के लिए यह व्रत किया जाता है तथा जो कन्याएँ व्रत करती हैं वो योग्य वर प्राप्ति के हेतु तथा अच्छा वर प्राप्ति के लिए यह व्रत करती हैं। और यह व्रत भादो मास के कृष्ण पक्ष की तृतीया के दिन मनाया जाता है और यह इस साल 2024 में भादो मास की तृतीया का जो दिन आ रहा है यह 22 तारीख गुरुवार को दिन यह उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। इस दिन महिलाओं को सुबह उठ करके स्नान कर करके अपने पूजा घर को पूजा स्थान को अच्छे से स्वच्छ करें तथा वहां पर गोबर आदि का मंडल बना करके भगवान गौरी शंकर जी का पूजन करना चाहिए तथा कहीं जगह मिट्टी की मूर्तियों का विधान कहा गया है, मिट्टी के भगवान शिव तथा पार्वती की प्रतिमा बना करके उनका पंचामृत अभिषेक करें। पूजन में अनेक प्रकार के विधि विधान से पकवान लगाए जाते हैं, भोग में लगाएं और भगवान का पूर्ण विधि से पूजन करने के पश्चात भगवान से कामना करना चाहिए कि हमारे को शुभ आशीष देवें तथा गोरा पार्वती से मंगलमय सौभाग्य की कामना करना चाहिए तथा अपने पुत्र तथा पति की आयु के लिए कामना करना चाहिए। उसके पश्चात रात्रि के समय भगवान चंद्रदेव का पूजन होता है, जिस प्रकार चतुर्थी को पूजन होता है इसी प्रकार भगवान चंद्रदेव को अर्घ दे करके उनसे अपने सौभाग्य की कामना तथा परिवार में सुख समृद्धि रहे इसकी कामना करना चाहिए। और यह व्रत निर्जला भी किया जाता है। इस प्रकार औरतें तथा कन्याएं इस व्रत को करती हैं और अनेक प्रकार से अपनी मनोकामनाओं को भगवान के सम्मुख प्रकट करती हैं कि